21वीं सदी में हमारे रोजमर्रा के जीवन का स्वरूप एकदम बदल गया है। मानसिक क्लेश, तनाव, काम का बोझ, इसमें से कोई न कोई परेशानी हर एक के जीवन में कहीं न कहीं जरूर मौजूद है। हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान और गतिविधियों की अनोखी श्रृंखला, जिसकी मदद से आपको मिलेगी शारीरिक और मानसिक शक्ति, यानी कि आप आज की जिंदगी की मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर सकते हैं। So join us and let go. योग लेट गो सीरीज की यह पहली पेशकश आप तक लाते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। ये योग की श्रृंखला हमने माननीय योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी के मार्गदर्शन से तैयार की है। योगाचार्य तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगाभ्यास और उसके फायदों पर अनुशोधन करते आए हैं। योगाचार्य तिवारी जी सारे भारत में लगातार योग शिविर आयोजित करते आए हैं, जिनके जरिए सैकड़ों लोगों को योग का लाभ प्राप्त हुआ है। तो आइए उनके साथ उनके अनेक भक्तों में शामिल होकर शुरू करते हैं अपना सफर संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर योग के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी भले दिखे, सभी के सुख दुख समान हो, यह वैदिक प्रार्थना सबके सुखी और निरोगी रहने के लिए की गई है। भारत में मनुष्य और मनुष्यता का इतिहास जितना पुराना है, योग का इतिहास भी उतना ही पुराना है। प्राचीन भारत के ऋषियों और योगियों ने सबके सुखी और निरोगी रहने के लिए योग या योग शास्त्र की रचना की थी, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। इसीलिए व्यक्ति का स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगियों ने आसनों की व्यवस्था की है। योग के आदि प्रवर्तक हिरण्यगर्भ पतंजलि ने योग के 8 साधन बताए, और वे हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इनमें से तीसरे साधन आसन द्वारा हम किसी भी रोग का उपचार सरलता से कर सकते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि प्राचीन ऋषियों योगियों द्वारा दिए गए आसनों का समुचित ज्ञान रखने वाले ऋषि योगी आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्होंने योग के क्षेत्र में कठिन तप द्वारा असंख्य सिद्धियां प्राप्त की हैं। एक गुरुजी का कथन है, व्यायामम कुर्वतो नित्यम विरुद्धमपि भोजनम विदग्धम विदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। आसन व्यायाम भी है एवं वृद्धावस्था एवं रोगों से बचाने का रसायन भी यही है। ऐसे ही महान योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी आज हमारे बीच यहां मौजूद हैं, जिन्होंने योग की दीक्षा योग के योग्य गुरु श्री सत्यानंद जी और श्री नित्यानंद जी से प्राप्त की है। उनका विश्वास है कि योग साधनों और आसनों के द्वारा किसी भी रोग का उपचार संभव है। योगी राज जी ने यह सिद्ध भी किया है।
योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तकरीबन 150 से ज्यादा योग शिविर आयोजित किए हैं और लगातार 3 बार इन्होंने राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप में वेटरन ऑफ इंडिया अवार्ड भी प्राप्त किया है। योग आसनों द्वारा इन्होंने कई महान हस्तियों के रोगों का निदान किया है। इनका कहना है, जिस प्रकार दूध लेने से पहले बर्तन को साफ करना आवश्यक है, उसी प्रकार अच्छा जीवन जीने के लिए अपने शरीर और मन को रोजाना योग, ध्यान और प्राणायाम से साफ करना भी अति आवश्यक है। तो मिलिए योगाचार्य श्री अविनीश तिवारी जी से। आप योग अभ्यास करने जा रहे हैं, योग अभ्यास करने के पूर्व कुछ जानकारियां आपको देना बहुत जरूरी है। पहली बात, जितने भी बैठने वाले आसन आप करने जा रहे हैं, उन आसन को की शुरुआत जो है पद्मासन से होना चाहिए। पद्मासन करने से ज्वाइंट्स में लचीलेपन आपको पैदा होता है, आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है, एक शक्ति महसूस आप करते हैं। दूसरी बात, योगाभ्यास में श्वास संचालन एक अविभाज्य हिस्सा माना जाता है, जिसको करने से आपकी मांसपेशियां सुगठित होती हैं, स्वस्थ होती हैं, सुंदर होती हैं और उनका दबाव कम होता है। जब जब पूरी श्वसन को आप लेकर आसनों का अभ्यास करते हैं, ऑक्सीजन के लेवल ब्लड में बढ़ता है, हीमोग्लोबिन आपका बढ़ता है, आपके अंदर शक्ति बढ़ती है, ताकत बढ़ती है। तो सबसे पहली बात, जब भी आसनों का अभ्यास करें, बहुत धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पूरी श्वास को लेकर करें। आप कितना रोक पाते हैं ये आवश्यक नहीं है, कितनी आप में क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप ही अपनी श्वास को आप अंदर रोकें। तीसरी बात जो बहुत काम की है, आसन करते वक्त आप कितना रुक रहे हैं इस बात का महत्व नहीं है, महत्व इस बात का है कि आसन आप कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आज आप 1 मिनट रुकते हैं, आधा मिनट रुकते हैं, अभ्यास बढ़ाते जाइए, बढ़ाते 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 उसमें आप ज्यादा रुक पाएंगे और जितना रुकेंगे आपके लिए वह फायदेमंद होगा ही। योग अभ्यास करने से पूर्व सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए, जिससे आपकी मांसपेशी में क्रैम्प्स ना हो और लचीलापन पैदा हो। पैरों को खोलिए, चक्की चालन क्रिया, मुट्ठियां बांधकर क्लॉकवाइज चक्की चलाना है। पेट और कमर की पेशी को मजबूत करने के लिए, लचीला करने के लिए। एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। दोनों पंजे मिलाएं, नौकासन क्रिया। नौका चालन में आपको अधिकतम पीछे आने का अभ्यास करना है, मुट्ठियां बांध के रखिए। जैसे आप चप्पू चलाते हैं उस प्रकार से आपको नौका चालन क्रिया करना है, उल्टा जब आप नीचे आते हैं तो माथे को घुटने में स्पर्श कराएं। अगली क्रिया,
पद्मासन लगा लें, दोनों हाथ को सामने खींचिए, मुट्ठी बंद करें, खोलिए बंद करें, मुट्ठी को कसके दबाने का अभ्यास, कलाई को ऊपर नीचे करें, कलाई की जोड़ खोलेंगे, मुट्ठियां घुमाइए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कलाइयों की जोड़ खोलने के लिए। दोनों हथेलियां कंधों के ठीक सामने और कलाई को मोड़कर हाथ की अंगुलियों से कंधों को स्पर्श करें। अब दोनों हाथ कंधे के समानांतर फैलाकर दोनों हाथ की अंगुलियों से फिर से कंधों को स्पर्श कराएं। कंधों के जोड़ों को खोलने के लिए इन क्रियाओं के समय पीठ आपकी सीधी होना चाहिए। दोनों हाथों को आसमान को ले जाएं और अंगुलियों से कंधों को छूने का प्रयास करिए। जब हाथ ऊपर जाएंगे तो हथेली आपकी नमस्कार की मुद्रा में होना चाहिए। अब दोनों कंधे क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। दोनों हाथ की अंगुलियों को आप कंधे में छुलाएं एंटी क्लॉकवाइज। अब दाएं हाथ की हथेली को पकड़ लें और खिंचाव पैदा करिए। एल्बो सिर के पीछे आना चाहिए। जितना आप खिंचाव पैदा करेंगे शोल्डर ब्लेड की मसल्स लचीली होंगी। पीठ का कसाव लचीला होगा। दोनों हथेलियां कंधों के समानांतर एल्बो मिलाकर फैलाने का अभ्यास। जितना फैलाएंगे आप उतनी पीठ की पेशियां लचीली होंगी। इस क्रिया को भी आप 5 बार करें। अब हथेली को जमीन को लाइए ऊपर ले जाएं, जमीन को लाएं ऊपर ले जाएं। शोल्डर ब्लेड आपके लचीले होंगे, डेल्टेड मसल्स आपके लचीले होंगे। अब दोनों हथेलियों से आप नेक को पकड़ लीजिए और एल्बो टच करने का प्रयास करें। कंधे को अधिकतम खींचें। दाएं गाल को पकड़ लीजिए और बाएं तरफ घुमाइए। विपरीत क्रिया। बहुत आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे करें। अंगूठे से चिन्ह को आप पकड़िए, आसमान को खींचें, नीचे लाइए। गर्दन की कशेरुकाएं स्वस्थ होंगी। गर्दन में लचीलापन होगा। माथे को दबाइए बाईं तरफ और दाईं तरफ दबाइए। ये तमाम क्रियाएं गर्दन में लचीलापन पैदा करती हैं। गर्दन को नीचे लाइए क्लॉकवाइज हाफ। अभी पूरा नहीं, सामने लाना है।
गर्दन से आपको एट बनाना है, आठ सामने लाएं, फिर घुमाइए, संपूर्ण क्रियाएं गर्दन के लचीला बनाने के लिए लाभकारी हैं। सिर को दाईं तरफ, बाईं तरफ, सामने, पीछे, सामने, पीछे, पांच पांच बार। क्लॉकवाइज घुमाना है, गर्दन को चक्र के समान घुमाइए, उल्टा। कंधा ऊपर लाइए, दायां बायां दोनों कंधे के साथ क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों कान को खींचिए, क्लॉकवाइज घुमाइए, इससे कान की पेशियां लचीली होंगी। मध्य में कान को पकड़िए, खींच के क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी क्लॉक घुमाएं। अब दोनों कान के क्षेत्रों को बंद करके आप घुमाइए, ऊपर नीचे लाइए, मसाज दीजिए, कान के चारों तरफ उसकी मालिश करें, उल्टा। चेहरे को फुलाएं, चेहरे की 44 पेशियों को स्वस्थ करने के लिए फूंक मारिए, और जोर से फूंक मारें, चेहरे को फुलाइए, फूंक मारें, चेहरे की 44 पेशियों का व्यायाम है। अब चेहरे को दाईं तरफ और बाईं तरफ मुड़िए, जबड़े को चलाएं, दांतों को आपस में भींचिए, इससे आपके जबड़े के जोड़ खुलेंगे। गर्दन की पेशियों को ऊपर खींचें, नेत्रों को दाईं तरफ बाईं तरफ घुमाएं, इससे आपकी आई बॉल की पेशियां लचीली होंगी। ऊपर नीचे देखें, दाईं बाईं ऊपर नीचे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। यह नेत्र आसन की क्रियाएं हैं। सिंहासन, जीभ को बाहर निकालकर चेहरे की पेशियों को आप कड़ा करें, और सिंह के समान आपको दहाड़ना भी है।
यह कुकुर क्रिया कहलाती है। जीभ को बाहर रोक के रखें और कस के आप श्वास को चलाइए। योग एक स्वस्थ जीवन जीने का अंदाज है, एक जीवन की लय है।